मेरे अत्यंत प्रिय साथियों, मेरे कोहिनूर, आप सब मेरे अनमोल रतन, सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। मेरे लाडलो, आज मैं आप लोगों को एक भजन सुनाने जा रही हूँ। ये उस समय का प्रसंग है जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मार दी थी और हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने आना था। तो प्रभु श्री राम हनुमान जी से किस तरह कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। तुम जाओ पवन सुते जल्दी से, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। तुम जाओ पवन सुते जल्दी से, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। देवरागिरी से बूटी लाओ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। रघुबर के वचन को सुन कर के हनुमान पहुँचे उस पर्वत पे, रघुवर के वचन को सुन करके हनुमान पहुँचे उस पर्वत पे। बूटी का पता नहीं पाया, अब रात गुजरने वाली है। बूटी का पता नहीं पाया, अब रात गुजरने वाली है। तुम जाओ पवन सुते जल्दी से, अब रात गुजरने वाली है। अब खड़े सोचते मन ही मन, क्या पर्वत को ही लेते चले। अब खड़े सोचते मन ही मन, क्या पर्वत को ही लेते चले। हो रही देरी अब हमको है, अब रात गुजरने वाली है। हो रही देरी अब हमको है, अब रात गुजरने वाली है। तुम जाओ पवन सुते जल्दी से, अब रात गुजरने वाली है। हनुमान संजीवनी ले आए, राम दल में जयकार हुई। हनुमान संजीवनी ले आए, रामा दल में जय जयकार हुई। उठ करके बैठे दोनों भाई, अब रात गुजरने वाली है। उठ करके बैठे दोनों भाई, अब रात गुजरने वाली है। तुम जाओ पवन सुते जल्दी से, अब रात गुजरने वाली है। तो मेरे लाडले बच्चों, हनुमान जी ने हमें ये सिखाया कि संसार में कोई भी काम असंभव नहीं है, बस हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कहते वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो हमें किसी भी परिस्थितियों में हार नहीं मानना चाहिए। और आपको आज का भजन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। सबको टाटा बाय बाय।